शिवानी कुमारी के बारे में क्या कहेंगे आप? वो बच्ची नहीं है, वो बदतमीज है। अनिल कपूर की होस्टिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? अनिल कपूर जी को भी फिर सजा बनती है कि उन्होंने खूबसूरत क्यों बोला सना को। लव कटारिया के बारे में क्या कहेंगे आप? कटारिया को लेके बिल्कुल अभी ये नहीं सोचती कि कटारिया ने कुछ गलत किया है। अरमान को लेकर क्या कहेंगे आप? अरमान जैसे यूट्यूबर जो आज बने हैं वो भी अपने दो दो बीवियों के दम पे, खुद पे कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो हैं ब्यूटीफुल राजश्री, जो हम सबको पता है कि एक अलग तरीके से अपनी पहचान बना चुकी हैं, और राजश्री जी जो बोलती हैं वो हम सब सुनते हैं। तो राजश्री बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, और थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। इतनी बारिश हो रही है मुंबई में, आपने टाइम दे दिया, बहुत बड़ी बात है। आज मैंने अपने स्टूडियो से पानी निकाला है, ऊपर से पानी गिर रहा था। बाप रे बाप। अच्छा राशि जी, पानी सिर्फ यही नहीं गिर रहा है लोखंडवाला में, बल्कि पानी फिल्म सिटी में भी गिर रहा है। आंसू निकल रहे हैं, थप्पड़ खाए जा रहे हैं, और अरे आप कितनी सुंदर दिखती हो वो मैनिपुलेट करके बोला जा रहा है। इस बार का बिग बॉस क्या कहना क्या है आपको, पहले तो ये बताओ मुझे। अगर आपको याद है कुछ दिन पहले अनिल कपूर जी ने सना को बोला था कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत सुंदर लगती हो, तो क्या अनिल कपूर जी ने भी रॉन्ग वैसे ही बोला था? बात तो सही कह रही हो आप। मतलब आज के टाइम कॉम्प्लीमेंट दे ही नहीं सकता कोई भी लड़की को, और हम जैसी लड़कियां, हम हर एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। सिर्फ खूबसूरत बोलना, वो भी भाभी शब्द के साथ, ऐसा तो नहीं बोला है कि कृतिका खूबसूरत है या हॉट है, माल है, पटाखा है, ये सारे शब्द तो यूज नहीं हुए हैं। केवल ये बोला है कि भाभी खूबसूरत लगती है, तो अनिल कपूर जी ने सना को खूबसूरत क्यों बोला? कोई किसी को खूबसूरत नहीं बोल सकता है। बिग बॉस के शो में बिग बॉस के रूल बिग बॉस खुद ही नहीं चला रहे, उन्होंने खुद ही सारे रूल ब्रेक कर दिए हैं। तो मतलब अभी क्या क्या बोलना है, मेरा सच में यही मुद्दा है। अनिल कपूर जी को भी फिर सजा बनती है, सजा दो कि उन्होंने खूबसूरत क्यों बोला सना को। क्यों बेचारा बच्चा, क्या एज होगी उस अरमान के सामने? सही बात। कृतिका उससे कितनी राइट राजश्री, अरमान को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि उन्होंने तो एकदम हद ही पार कर दी है। आज तक हमने सोचा था कि मतलब बिग बॉस में हिंसा जो है एक अभिषेक कुमार के टाइम पे हुई थी, जब उसने समर्थ को थप्पड़ मारा था, वो भी तब जब समर्थ ने अत्ती कर दी थी, ईशा के साथ मिलकर अत्ती कर दी थी, तब मारा था, उसको जस्टिफाई भी किया था सलमान साहब ने। लेकिन यहाँ पे इस थप्पड़ को लेकर आप क्या कहेंगे? अरमान दिखाना चाहता है कि मैं अरमान हूँ। अरमान को पता नहीं बहुत सारी गलत फहमी है। अरमान को ये भी लगता था बीच में वो अपने आप को एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी मानता है। उसने ये भी बोला था कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला की तरह मैं पर्सनालिटी हूँ। बिग बॉस के हिस्ट्री में एक ही सिद्धार्थ शुक्ला था और हमेशा उसी का नाम रहेगा। ये अरमान जैसे, मैं सच में कहूँ, अरमान जैसे यूट्यूबर जो आज बने हैं वो भी अपने दो दो बीवियों के दम पे, खुद पे कुछ भी नहीं। वो सिद्धार्थ का नाम ले रहा है। सेकेंड थिंग, अरमान को लगता है कि बिग बॉस में अगर इतने जो पहले 16 लोग थे उनमें अगर कोई सही चॉइस है बिग बॉस की, तो वो अरमान मलिक है और उसकी वो दो बीवियां है, वो जो चिपड़िया लेके आया है साथ में, बाकी सब पागल है, किसी की कोई औकात नहीं है। एंड जैसे कि वो कहता है कि तुम जैसे लोगों को मैं अपने घर पे काम पे रखता हूँ, 2 किलोमीटर दूर रखता हूँ, तो उसका एटीट्यूड ही अलग लेवल पे है। एटीट्यूड के वजह से आज उसके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि उसने हाथ उठाया है। बट इस पे सोचिए कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, उस पर आप क्या कहेंगी?
बिग बॉस का शो आज के टाइम मेरे लिए, बिग बॉस का शो कोई मेरे लिए एक बड़ा बहुत बिग शो, रियलिटी शो। बिग बॉस के जो रूल हुआ करते थे, जो बार बार बिग बॉस छोटी सी चीज में आके भी टोकते हैं, आज के टाइम जो ये नई चीज की है, बातें करते हैं, टोकते हैं कि आपको एक टास्क दिया गया था, आप लोगों को वो भी समझ में नहीं आता है, आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है, अगर कोई माइक पहनना भूल जाता है तो आप माइक नहीं पहन रहे हो। हर छोटी सी चीज अगर आपको याद है तो बिग बॉस को मैं बताना चाहती हूँ, बिग बॉस के शो को मैं याद दिलाना चाहती हूँ। आपके शो का सबसे बड़ा रूल कहाँ है कि आप कुछ भी कर सकते हो उस घर के अंदर, सिवाय आप किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आप वहां पे किसी को भी फिजिकल टच नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, वरना उसी टाइम आप उस घर से बाहर हो जाओगे। जी क्यों अरमान अभी भी उस घर के अंदर है? लोगों का बोलने का वेट नहीं करना चाहिए, जो खुद के रूल होते हैं। आज मेरे घर के कुछ नियम है कि 11 बजे के बाद हमारे घर के अंदर की दरवाजा अंदर से बंद हो जाएगा, बाहर घर के लोग बाहर नहीं जाएंगे। मेरे घर का रूल है, मैं वो नहीं तोड़ूंगी। बिग बॉस अपना रूल खुद कैसे तोड़ रहे हैं? बिग बॉस को तो क्या ही, बिग बॉस को जो हम, मैं तो, मेरे लिए तो बिग बॉस बहुत बड़ा शो हुआ करता था, पर जब से ये अरमान वाली चीज आई है अभी भी वो बिग बॉस चला के रखा है, बजाज नेट नहीं है मेरे घर में तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। अब मजा नहीं रहा, अगर बिग बॉस ही अपने शो को गिराना चाहते हैं इस तरीके के फैसले लेके, मजा तब आता। अरमान ने हाथ उठाया, अरमान अगले 5 मिनट में घर के बाहर, वो था बिग बिग बॉस। बिग में BIG होता है, यहाँ GG लगाया गया है, बिग बॉस। कहाँ गया तुम्हारा बिग? आप उसको छोटा बॉस करो, मैं बिग बॉस को कहना चाहूंगी छोटा बॉस करो। अनिल कपूर की होस्टिंग के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये जो हुआ है और इस पे जो फैसला, एक स्पेशल कमिटी सो कॉल्ड बना दी गई थी, जहां पे कन्फेशन रूम में रणवीर को, दीपक चौरसिया और कटारिया को बुलाया गया था और स्पेशल एक इसको मामला बना दिया गया था, उसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए अनिल सर के ऊपर तो मैं, अनिल सर तो मेरे बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, दिनाधिन धा वाली। मुझे तो उनकी होस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। हमें आदत हो गई थी सलमान सर की, तो एक चीज हम कंटिन्यू देखते 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 अचानक हमें कोई नया देखने के लिए मिल रहा है, तो शायद हमें उनको समझने में, उनकी आदत होने में, उनको ऑब्जर्व करने में, उनको पचाने में थोड़ा सा समय लगेगा। बट अनिल कपूर जी ऑल ओवर परफेक्ट है। एंड रही बात की सबको बिठा के बात की थी या सबकी राय ली गई थी, वो सब दिखावा होता है, वो BIGG जो बिग बॉस होता है सब करना उन्होंने ही होता है, वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। जी जी राशि जी, लव कटारिया के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये पूरा जो थप्पड़ कांड हुआ था, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोस्त अपनी दोस्ती निभाएगा, लेकिन हमने देखा कि चीजें ही पलट गई, जज्बात पलट गए और लव कटारिया को लेकर सोशल मीडिया पे भी बस ये बन गया कि यार ये दोस्ती गलत दोस्ती होगी लव कटारिया के साथ। आपको क्या कहना है? ना, लव कटारिया ने तब तक मुंह नहीं खोला था जब तक के पायल को जबरदस्ती बिग बॉस चाहते थे कि पायल आए, ये बात सबके सामने रखे, लव कटारिया अपने मुंह से बात बाहर निकाले और पूरा भूचाल हो जाए, बट बिग बॉस को ये नहीं पता था कि अरमान हाथ उठा देगा। बिग बॉस को चाहिए होता है TRP, अगर अंदर झगड़े नहीं होंगे, मजेदार मसाला बाहर नहीं निकलेगा, तो खैर हमें भी देखने में क्या ही मजा आएगा। हम भी तो नॉट ओनली बिग बॉस, एज अ व्यूअर हमें भी देखने में तभी मजा आता है जब मसाला मिलता है। मैं कटारिया को लेके बिल्कुल भी ये नहीं सोचती कि कटारिया ने कुछ गलत किया है। देखो क्या होता है, वो बंदा अगर नहीं बोलता ना, वो फिर बोलते कि अरे झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे झूठ बोल रहा है, एक लड़की के लिए बात की गई थी, तुम कैसे झूठ बोल रहे हो। बजना तो दोनों तरफ से था, कटारिया फिर बजने वाला था, कटारिया उस तरफ से भी बजने वाला था, तो गेम तो बिग बॉस का ही था ना। कटारिया का मुंह किसने खुलवाया है? बिग बॉस ने खुलवाया है, कटारिया कहाँ है?
उसने सिर्फ इतना कटारिया ने, हाँ इसने मेरे कान में ये बोला और एक मिनट के बाद उसने बोला कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ। कटारिया ने अपने तरफ से एक सिंगल वर्ड भी उसमें नहीं लगाया है। ओके जी जी। अच्छा शिवानी कुमारी के बारे में क्या कहेंगी आप, जो बिग बॉस में एक अलग ही गेम खेल रही हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? वो मेरा कान में, आपको पता है मुझे माइग्रेन है और वो जैसे बोलना स्टार्ट करती है ना, मेरा सर दर्द होता है। वो पता नहीं, मैं उस लड़की को जानती नहीं हूँ, बट वो बच्ची भी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आज 22 साल की लड़की बच्ची है, 22-23 साल के बच्चे आज के टाइम पे बच्चे नहीं होते। खैर मेरे टाइम में तो फिर भी वो हुआ करता था कि भाई बच्चे बोल दिया जाए, बट आज के जनरेशन जो पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल मिल गया है, ऊपर से ठहरी एक यूट्यूबर, तो वो बच्ची नहीं है, वो बदतमीज है। जी ओके। अच्छा घर के अंदर और भी इंटरेस्टिंग किरदार हैं, जैसे कि नेजी बा हैं, और हमने देखा कि सना मकबूल नेजी को काफी ज्यादा अपनी उंगलियों पे चलाने की कोशिश करती हैं। आपको क्या कहना है नेजी को लेकर, और नेजी का कैसा लग रहा है कैरेक्टर आपको? नेजी मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, द वे ही स्पीक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्योर हार्ट है उसके अंदर, दिल में कुछ भी नहीं है, वो अपना मालिक है, लाइक वो अपना मस्त मौला है, अपने में है। और रही बात सना की, मुझे नहीं लगता कि वो चलाने की कोशिश कर रही है, कोई किसी के इशारों पे चलता। अगर नेजी बिग बॉस के घर तक पहुंचा है तो कोई इजीली किसी के इशारों पे चलता नहीं है। हमें ऐसे लगता है, व्यूवर्स को ऐसा लगेगा कि कोई किसी को चला रहा है ना, ऊपर से दिखावा किया जाता है कि हाँ हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है, बट बंदा करता वही है जो अपनी मन की, क्या पता वो सहमत हो ऑलवेज मकबूल के साथ तब, और वो उस नेजी की तरफ से एक अच्छी दोस्ती है, जैसे वो पूरे घर को बोल रहा था कि मुझे बा मत बोलना, मुझे बा, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास भी दो दोस्त है, उनको मैं भी स्पेशली बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ ना किसी और कोई और नहीं बोलेगा, तो मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छी दोस्ती है। जी जी। अच्छा इसके अलावा रणवीर भी खेल रहे हैं, रणवीर शौर्य, जिन्हें हमने एक अमेजिंग एक्टिंग करते हुए देखा है फिल्मों में टेलीविजन में, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? रणवीर जी तो मेरे बहुत 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 फेवरेट एक्टर रह चुके हैं, लाइक मैं वो लड़की हूँ जो मेरे बहुत कम और बहुत कम एक्टरों को मैं पसंद करती हूँ जो रियल एक्टिंग करते हैं, जैसे नाना पाटेकर, रणवीर जी, ये राजकुमार राव, अज़ुद्दीन राजकुमार, तो मैं वो लड़की हूँ जो पोस्टर पे फोटो देख के जाऊंगी, अगर मेरे फेवरेट का किसी का फोटो दिख गया तो मैं चली जाऊंगी इनकी मूवी देखने। तो उनमें से रणवीर जी बहुत सुलझे हुए इंसान, एक हद तक कोशिश करते हैं सामने वाले को आने की, फिर भी वो बदतमीज शिवानी उनको पलट के बोलती है कि आप बेशरम हो। रणवीर जैसे इतने क्या इतने एक्सपीरियंस वाले एक मेरे सामने आज रणवीर जी बैठे ना, मैं उल्टा बोलना तो दूर की बात है, लाइक मैं तो शायद बात भी ना कर पाऊं, पर शिवानी उनकी इज्जत नहीं करती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूरे घर में अगर कोई रणवीर जी की इज्जत नहीं करता है तो शिवानी तो खैर किसी की इज्जत नहीं करती है। जी जी। आला सना के बारे में क्या कहेंगे? आला है वो तो वो बहुत क्यूट है, खूबसूरत है, और जैसे वो कहती है कि आला, वो खुद भी एक आला ही है। अच्छा राशि जी, घर के अंदर जो है हमने एक वड़ा पाव गर्ल को देखा है, जो अपनी वीडियोस से काफी ज्यादा फेमस हुई है, उनके बारे में क्या है आपकी राय? पहले बात तो मुझे ये नहीं पता है, अब मुझे नहीं पता है कि बिग बॉस का क्या नया, उनके पहले बिग बॉस का बहुत अलग था कि एक दो कॉमनर्स लेके आते थे एंड बाकी सब टीवी आर्टिस्ट हुआ करते थे या फिल्म आर्टिस्ट हुआ करते थे। ये वड़ा पाव वाली, मुझे पता भी नहीं था कि कोई वड़ा पाव गर्ल है, जब बिग बॉस में जब देखा
उसके बाद मैंने उसके वीडियो देखे। वो लड़की ऐसी, वो अभी यहाँ पे जैसे शांति से बैठी है और उसकी वो वीडियोस बहुत अलग है, और यहाँ पर भी वो शांति से नहीं बैठी, वो दोगली है, वो एक सेकंड में झूठ बोलती है। और उसका वो उसका झूठा मैंने मैंने रिलेट किया, मैंने उसका एक वीडियो देखा है, उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी, वड़ा पाव, एंड बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, एंड वो कहती है कि मेरी चुन्नी खींची। मैंने वो जाके रिपीट पे वीडियो देखा, वो चुन्नी मतलब दुपट्टा, हाँ। मेरी चुन्नी खींची, वो चुन्नी उसने खुद ऐसे करके गिराई थी, और एक सेकंड में झूठ बोलती है। वो बिग बॉस में भी एक सेकंड में झूठ बोल जाती है। अभी वो लड़का बहुत अच्छा है, सीध अच्छे घर का लड़का है, मराठी लड़का, साई साई केतन जी, वो मसाज उसने वाली बात जुड़ी थी। बड़े अच्छे वे में बोला कि उसको बार बार पेन हो रहा था, वो पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो बड़े अच्छे वे में बोला, बट उसके साथ उसने एक स्माइल दी कि मैं अच्छा मसाज कर सकता हूँ, और वो चिल्ला भी नहीं, जिस एटीट्यूड में वो बैठा था वो वैसे ही बैठा था, वो चेयर से हिलाता, इसने बोला नहीं मेरा हो जाएगा, मेरा होता है, बहुत नॉर्मली वहां पे करके, अंदर जाके उसने कुछ और ही स्टोरी बता दी कि वो चाहता है मेरी मसाज करना अलग तरीके से। मैंने बोला मेरा व्हाट, उनकी लैंग्वेज भी पता नहीं, मेरा मर्द बाहर बैठा है, मुझे जरूरत नहीं है, लाभ 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 ये है। राशि जी क्या लगता है इस बार ओटीटी क्या कौन जीतेगा, कौन मतलब कौन लग रहा है आपको कि कौन जीतेगा? मैं आपको बताऊं, जी जीतने तक तो मैंने सोचा ही नहीं है, मुझे अभी से ऐसा फील आता है कि इस बार ओटीटी ने हक दिया है। अरे सही में कोई टॉप थ्री हैं आपके जो आपको लगता है कि ये आ सकते हैं टॉप थ्री में? मैं तो मेरे फेवरेट रणवीर जी का नाम लेना चाहूंगी, साई का नाम लेना चाहूंगी, बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिवार के हैं उनकी, रणवीर जी के अंदर उनका एक्सपीरियंस, उनकी समझ दिखती है, साई के अंदर वो एक अच्छे घर का है, उसकी अच्छी परवरिश दिखती है। बिग बॉस में सिर्फ और सिर्फ कचरा नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता बिग बॉस की आज की सोच क्या है, मैं नहीं जानती, उनको अपना टीआरपी, उनको अपना शो चलाना है, हम वही पुराना बिग बॉस देखना चाहते हैं मे बी, तो ये सब हो रहा है।